घूर कह रहे हैं सर? आज से आपकी कुर्सी आपकी नहीं रही। क्या हो गया सर? कौनो गलती हो गया का? हेड ऑफिस से आपके लिए ये लेटर आया है। बहुत अंग्रेजी आता है ना आपको, पढ़ लीजिए। सर ये तो हमारा प्रमोशन का लेटर है। बधाई हो। अरे क्या हो गया, आप तो भावुक हो गई। पुराना दिन याद आ गया सर। हम यहाँ तक पहुँचे इसमें हमारे पति का बहुत बड़ा हाथ है, वो भी बहुत मेहनत किए हैं। पति पत्नी के सफलता में एक दूसरे का आधा योगदान होता है। सही कह रहे हैं सर। तो प्रमोशन की पार्टी कब होगी? अरे आप जब बोलिए। कौन सा होटल में खाना है? अरे होटल उटल छोड़िए, चलते हैं चौपाटी वाले रेस्टोरेंट में। वो कहाँ है? अरे वही गंगा किनारे। ठीक है। ऐसे समझदार लोग बोलते हैं कि औरत को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अगर भौजाज पढ़ लिखी होती ना तो भैया की इतनी हिम्मत नहीं होती उनको मारने की। मगर बहुत जन पे आश्रित है इसलिए भैया का मन भी बढ़ा हुआ है। सही कह रहे हैं। पता है माँ बाप ही बेटी के असली दुश्मन होते हैं। बचपन से ही बेटा को पढ़ाते हैं और बेटी को शादी के लिए तैयार करते हैं। अगर माँ बाप बेटी को पढ़ाते ना तो आज बेटी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही बोल रही हूँ। समझदार लोग सबसे पहले अपनी बेटी को पढ़ाते हैं फिर उसको शादी करते हैं। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने सबसे पहले तुमको पढ़ाया लिखाया फिर तुम्हारी शादी की। बेचारी गुड़िया दीदी कितना साल से भैया को झेल रही है। एक बात कहें दीदी, बुरा मत मानिएगा, जैसे को तैसा करना बहुत जरूरी है। अब चुप मत रहिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आप विरोध नहीं कीजिएगा ना तो सबसे ज्यादा गलत आप अपने लिए कर रही हैं। आपके अंदर जो डर है उसको निकालिए, एक जोर का धक्का दीजिए, देखिएगा डर टूट के बिखर जाएगा। हम औरतें अपने मन के भीतर एक डर का किला बना लिए हैं, उस किला को तोड़ना बहुत जरूरी है। अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। देखिए दीदी, हर रिश्ते में बराबरी का हक होता है। आप कोई गुलाम नहीं है। अपनी आजादी के लिए आवाज उठाइए, देखिएगा जब आप कुछ बोलेंगी तो आपकी भी सूरत बदलेगी, आपकी भी जिंदगी अच्छी होगी। बस एक बार हिम्मत करके तो देखिए।